मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में 12वीं में 75% व उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के खातों में लैपटॉप की राशि डाली। मुख्यमंत्री चौहान ने एमपी बोर्ड में 78,641 स्टूडेंट्स के खातों में लगभग 196 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि आने वाले सत्र से सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए भी लैपटॉप देने की योजना लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में कहा कि आप सभी बच्चों को लैपटॉप की राशि मिलने की बहुत बहुत बधाई, आने वाले भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आप सभी स्टूडेंट से सुझाव लेने के लिए पोर्टल बनवाएंगे जिसमें आप सभी अपने सुझाव डाल सकते हैं, हम फिर किसी बहाने से मिलकर साथ बैठेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि टॉपर बच्चों ने मुझसे कहा कि मामा जी स्कूटी आपने एमपी बोर्ड को दी है, हमें नहीं दी, अब जितने टॉपर बच्चे हैं उन्हें भी स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही आने वाले साल से सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए भी लैपटॉप देने की योजना लागू की जाएगी। सुझाव, मैं एक पोर्टल बनाऊंगा, उस पर मैं आमंत्रित करूंगा, आप सुझाव भी देते रहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि कभी ना कभी मैं फिर तुमसे मिलने का मौका निकाल लूं किसी ना किसी बहाने, क्योंकि मेरे लिए सबसे आनंद का पल वो होता है जब अपने भांजे और भांजियों के साथ रहता हूं, उनके साथ जब मैं रहता हूं तो उससे बड़ा आनंद का पल नहीं रहता। एक बात और, तुम पढ़ाई तो करो ही लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, शरीर भी हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। बताओ योगा कोई करता है क्या? योगा कोई करता हो तो हाथ उठाओ, अभी बहुत कम करते हैं, आगे कोशिश करो। योग, व्यायाम, प्राणायाम, ये अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और मस्तिष्क को भी प्रखर बनाते हैं। और पढ़ने के साथ खेलते हो कि नहीं खेलते? कौन कौन खेलते हैं हाथ उठाओ। खेल भी बहुत जरूरी है, तो पढ़ना भी है, खेलना भी है, शरीर को स्वस्थ बनाना भी है और आगे बढ़ना भी है। अभी हमारे टॉपर बच्चे आए थे और उन टॉपर बच्चों ने कहा कि स्कूटी मामा जी आपने केवल बोर्ड की परीक्षा वालों को दी है, हमें नहीं दी। तो जितने टॉपर बच्चे हैं उन सबको भी स्कूटी दी जाएगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके। और अगले साल से ये लैपटॉप देने वाली योजना बोर्ड की परीक्षा में भी लागू होगी और सीबीएसई के भी परीक्षा में इसको लागू कर देंगे ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार 18, 19, 20 में आ गई थी तब उन्होंने लैपटॉप भी बंद कर दिए थे, बच्चों की फीस भरवाना भी बंद कर दी थी। कांग्रेस ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का पाप किया है और इसलिए 3 लाख बच्चों की फीस अभी भरवा रहा हूं। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि जब कांग्रेस की सरकार 18, 19, 20 में आ गई थी तो उन्हें लैपटॉप भी बंद कर दिए थे और उन्हें बच्चों की फीस भराना भी बंद कर दी थी, उन्हें बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का पाप किया। लेकिन सुनो मेरे बेटा बेटियों, आज तुम्हारा मामा कह रहा है चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मामा की है, आगे बढ़ना है क्योंकि तुम पूंजी हो देश के लिए, तुम असेट हो मध्य प्रदेश के लिए। अगर तुम्हारे सपने मर जाएंगे तो समझना कि प्रदेश भी मरेगा। बच्चों के सपने मरेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और इसलिए हमने तय किया कि किसी भी हालत में बच्चों को मजबूर नहीं रहने देंगे, बच्चों को कभी भी ये नहीं लगने देंगे कि काश हमारे पास पैसे होते। और इसीलिए एक के बाद एक अनेकों योजनाएं, ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की बात कर रहा था, तुम लोग तैयारी करो बेटा बेटी, पीएमटी की तैयारी करो, जेई मेंस की तैयारी करो, क्लैट की तैयारी करो, अलग अलग यहां जाना चाहते हो उन विषयों की तैयारी करो, उस तैयारी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा मामा खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़,
आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।